एकेश विश्वविद्यालय की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों के साथ मैं हूं सत्यभूषण सिंह। एकेश विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान एकेश विश्वविद्यालय ने कृषि संकाय के विद्यार्थियों के लिए कई अवसरों के द्वार खोले। केंद्रीय मंत्री श्री जावड़ेकर के साथ मुलाकात में विश्वविद्यालय के चेयरमैन अनंत कुमार सोनी, विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव के साथ प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। श्री जावड़ेकर ने विश्वविद्यालय के कोर्सेस और अल्प समय में विश्वविद्यालय द्वारा पाई गई सफलताओं की तहे दिल से तारीफ की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने एकेश विश्वविद्यालय सतना में आने का आमंत्रण भी स्वीकार किया। इस बारे में बताया हमारे दो वरिष्ठ प्राध्यापकों ने। जिसमें प्रमुखता उस ग्राम की कृषि की उन्नत के लिए विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की गई और उसमें मंत्री जी का कहना था कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाए, जिसके फलस्वरूप उसके प्रारूप के अनुसार वहाँ के 3-4 गांवों में हमारे यहाँ के कृषि के विद्यार्थी अपने रावे प्रोजेक्ट के साथ उन गांवों का सर्वे करके विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं, किसानों द्वारा अभी किए जा रहे कार्य और उसमें इम्प्रूवमेंट को लेकर के कार्य करेंगे। विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के दो फैकल्टीज ने IIT की विजिट की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रमों में शिरकत भी की। इस विषय पर उन्होंने बताया। फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वी हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स देयर। एज पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंसर्न आई गेट द नॉलेज हाउ टू रेक्टिफाई द पॉल्यूशन which was provided by power plant, like coal-based power plant, fly ash is there, and that fly ash will remove from electrostatic precipitator. And similarly, we have learned lot of things, and we enhance our knowledge, so that it is very much beneficial to our students as far as faculty. पर्यावरण विभाग के हेड डॉक्टर महेंद्र तिवारी ने सांख्यिकी विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जल, वायु और मृदा प्रदूषण के विभिन्न कारकों को जिले के ऑफिशियल्स के सामने व्यक्त किया और उनके सोल्यूशंस भी बताए। इस विषय पर बताया डॉक्टर महेंद्र तिवारी ने। विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का पर्यावरण विभाग एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा अगस्त माह में जलवायु परिवर्तन तथा इसका जैव विविधता पर प्रभाव पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित किया गया है, जिसमें कि हमारे विश्वविद्यालय प्रबंधन ने माननीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से आदर्श ग्राम पालदेव में मुलाकात के दौरान उन्हें इस राष्ट्रीय संगठन के मुख्य अतिथि पद के लिए आमंत्रण दिया, तो माननीय मंत्री जी ने बड़े साहस भाव से उसे स्वीकार किया और बोला कि ये बहुत अच्छा विषय है, इसमें कि इस सेमिनार का आयोजन आपके विश्वविद्यालय कर रहा है, इस पर मैं अपना समय देकर के मुख्य अतिथि पद कर पदभार के लिए उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है। विश्वविद्यालय की खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।